ये कुछ भाई एग्जॉस्ट इसका देख सकते हैं। तो भाई मैं यही बताऊंगा यार, तुम्हारे को ये रिकमेंड करूंगा कि खड़ी बाइक में कभी रेव ना करो। रेव भाई उसको बोलते हैं जैसे तुम थ्रॉटल लेते हो ना, उसको हम रेव बोलते हैं, ठीक है। तो भाई खड़ी बाइक में कभी मतलब ऐसे चलाते हुए भी नहीं लेना चाहिए भाई उस थ्रॉटल, मतलब इंजन हार्म होता है उसमें, सीधी सी बात बताओ तो। इसलिए नॉर्मल चलाओ भाई, हाई आर पे में भले चला लो पर खड़े खड़े थ्रॉटल मत दो, इंजन बहुत हार्म होता है भाई लोग उससे। बाकी भाई यही है कुछ इसका। बाकी भाई हाँ ये एक रह गया कि मैंने रियर टायर ये देख सकते हो भाई 100/90/17 है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सीन है भाई इसका, तीन गार्ड आता था इसका, प्लेट सी आती थी, कवर्स आता था यहाँ पे। तो भाई वो एक बार पता नहीं पत्थर में लगी थी शायद से, वो एक तरफ से नहीं आया तो भाई मैंने निकाल ही दिया वो। फिर मैं क्या लटका हुआ सर किंग। तो भाई ये देख सकते हो कैथलेटिक कन्वर्टर भाई, इसको बोलते हैं कैथलेटिक कन्वर्टर, यहाँ पे है जो नीचे ये दिख रहा होगा यहाँ के अंदर, इसको भाई कैथलेटिक कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। अब BS4 में भाई दो फिल्टर आ जाते हैं यहाँ पे, बाकी BS6 में यहाँ पे भी है फिल्टर यहाँ पे, और O2 सेंसर ऑक्सीजन सेंसर वो भी है भाई यहाँ पे। और भाई ये है बाइक का चौक जो अंदर, ये जो हम जैसे कोल्ड स्टार्ट वगैरह करना होता है तो चौक ऑन कर देते हैं भाई। फ्यूल थोड़ा ज़्यादा लेती है पर ये है कि बाइक वार्म हो जाती है। और मैं भाई यही रिकमेंड करूँगा तुम गर्मियों में भी अगर बाइक चलाते हो ना तो 2 मिनट के लिए वार्म रखा करो भाई बाइक को, ज़रूरी नहीं है कि गर्मी है तो कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तुम बाइक खड़ी रखते हो ना तो भाई पूरी रात ना जो ऑयल होता है ना वो नीचे सेटल हो जाता है, उसके पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। इसलिए 2 मिनट हमेशा उसको खड़ी करके रखो ताकि वो रोटेट हो जाए, ठीक है, इंजन ऑयल रोटेट हो जाए। बाकी भाई कोई कोई बंदे क्या गलती करते हैं, जैसे जाना होता है कहीं गर्मियों में भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और ठंड में भी कोई कोई बंदे गलती करते हैं। ऑन करी स्टार्ट मारा और भाई पेल दी बाइक, ठीक है, ठीक स्पीड में चल रहे बंदे। तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा कभी भी ऐसा मत करो। अगर चलो मान लो तुम्हारे पास नहीं है भाई स्टार्ट करने का एविडेंस, तुम स्टार्ट करो आराम से थर्ड गियर पे करो, आराम से क्रूज़ करो 20-30 की स्पीड में आराम से चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसा भी क्या हो गया, कम से कम दो तीन किलोमीटर तो आराम आराम से चलते रहो, उसके बाद चाहे खींच लो क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर ले लेता है इंजन। बट मैं यही रिकमेंड करूँ कि भाई 2 मिनट कम से कम स्टार्ट तो रखे करो, क्योंकि नीचे से जो सेटल हो जाता है ना भाई इंजन ऑयल, ताकि वो रोटेट हो जाए आराम से। कोई कोई बस बंदे ऐसे करते हैं कि भाई स्टार्ट करियो दुड़ाने लग जाते भाई भाई इंजन, भाई मैं सच बताऊँ ना सीज हो जाएगा और लगेगा तगड़ा ही फटका, ठीक है। तो ये गलती भाई कभी मत करना भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि भाई मैं हाँ सेटिस्फाइड हूँ बाइक से, बाइक ने फालतू तो कोई खर्चा नहीं करवाया। गिरे पड़े भी भाई बथेरी बार है, मैं यूँ नहीं बोलता भाई, देख सकते हो ये एक तो बंदे ने ठोक दी थी भाई बाइक ये इस साइड से भाई मैंने गिराई है, मैं खुद बोलता हूँ इस साइड से मेरे से गिरी है लेफ्ट साइड से। तो भाई अब ऐसा है कि मेरे पास ऐसा है कि भाई बजाज की बाइक है तो मैं इसकी तारीफ ही करूँगा। तो भाई मैंने बता दी कमियाँ भी, कमियाँ क्योंकि यार कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती भाई, सब में उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं भाई। चाहे तुम सुपर बाइक ले लो, जो मर्जी ले लो भाई, कुछ भी है ही। हाँ भाई ये भी ठीक है, यहाँ पर अगर पिलियन आपकी या मम्मी वगैरह सिस्टर वगैरह बैठती है तो ठीक है उनके वन साइड के लिए, बट अब गवर्नमेंट इसको प्रेफर नहीं करती इस चीज़ को, क्योंकि वन साइड बैठना अब अलाउड नहीं है। अब बंदी बंदो दोनों साइड ही बैठेंगे, जो भी पिलियन आपके साथ बैठेगा, चाहे आपकी मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो पीछे। बाकी भाई ये चीज़ गवर्नमेंट रिकमेंड करती है ताकि ये पैर वगैरह ना अंदर को ना लग जाए, इसमें दिक्कत ना हो जाए ज़रा ये चीज़। तो बाकी ये चीज़ अब नहीं आती भाई बाइक्स में, चाहे तुम देख सकते हो गिनी चुनी बाइक्स में आती होगी, कंप्यूटर बाइक्स में आती होगी भाई, जो 100-200 cc की होती है उन्हीं में आती होगी। बाकी भाई कमी तो मैक्सिमम इसमें ये है कि फिट एंड फिनिश बढ़िया होती तो और अच्छा होता, क्योंकि भाई वाइब्रेशन ना इरिटेट बहुत करती है बंदे को। और भाई ये BS3 इंजन है ये बता दूं मैं, क्योंकि 2013 में BS3 था, ठीक है। बाकी भाई ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है भाई, अब नहीं आते इसके मॉडल, अब दूसरी वाली वो पहले वाली डिस्कवर आती थी वही आती है भाई, अब फिर से डिस्कवर। ये वाले इसके 6 वेरिएंट आते थे भाई इस बाइक में, वो सारे 6 के 6 वेरिएंट भाई डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, अब नहीं आती भाई। अब 125 में मैं जिस बंदे को लेनी होगी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि NS125 आई है भाई, नहीं तो आप उसको ले सकते हो। ड्यूक नहीं भाई, ड्यूक तब भाई बहुत महंगी है, NS ठीक है भाई, पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, तो बढ़िया बाइक है भाई, पावर भी बढ़िया, मतलब अभी मैंने यूट्यूब पे उसके रिव्यूज़ देखे तो मतलब ठीक लगी भाई मेरे को, तो उस हिसाब से बाइक ठीक है।
पर वही वही है कि उसमें, पर मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती भाई, तुम सेम ही लुक दे देते हो, जैसे NS 200 में भी वही है, 160 में भी वही, 125 में भी वही। तो भाई मैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब हर बाइक की ना अलग लुक होनी चाहिए, बस सामने से आए तो लग जाए पता कि हाँ भाई ये बाइक है। अब आप भाई आज के टाइम में 125 NS भी आएगी ना, तो बंदा दूर से सोचेगा यार 200 या 160 NS होगी। तो भाई इस बात में बहुत कंफ्यूज, इस बाइक का मेरे को ये ठीक लगता भाई, इसकी लुक और बाकियों की तरह है ही नहीं, इस बाइक की यूनिक लुक कह सकते हो भाई तुम लोग, ठीक है। तो भाई ऐसा ही कुछ सीन था। बाकी भाई ये ग्रैब हैंडल भी दे रखा देखो पिलियन के लिए, जो काफ़ी बेस्ट है, मतलब काफ़ी हिलता डुलता भी नहीं भाई, कस के पकड़ रखो कोई दिक्कत नहीं भाई, सही सीन है। बाकी भाई ये दिखा दो, ये ड्रम ब्रेक है भाई रियर की, ठीक है ड्रम ब्रेक है वो। बाकी भाई इसमें सेंटर स्टैंड भी है, ये सेंटर स्टैंड, ठीक है। और आपकी बाइक्स में तो नहीं आता, बट कंप्यूटर बाइक्स में आता है भाई, मैक्सिमम सेंटर स्टैंड आता है। अब जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि अब भाई कंपटीशन बढ़ चुका है बाइक्स के मामले, तो भाई अब सेंटर स्टैंड वगैरह देते नहीं, क्योंकि अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स ही, चाहे देख लो MT वगैरह देख लो कहाँ, पहले पल्सर 150 जैसे कंप्यूटर बाइक है, MT देख लो वो पूरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है भाई, स्पोर्ट्स बाइक है, तो भाई उनमें ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। और मेरे को लगता भी नहीं भाई, मतलब ऐसा कहीं ऐसा लगता है कॉस्ट कटिंग वगैरह के लिए कह सकते हैं हम लोग कंपनी, क्योंकि जैसे इंडोनेशियन मार्केट होगी भाई, वहाँ पे भाई मतलब एक एक चीज़ तुम्हारे को बढ़िया मिलेगी, जहाँ जैसे R15 का एग्जांपल लेते हैं भाई, वहाँ पे USD फोक्स वगैरह मिलते हैं MT में भी, तो वहाँ पे स्विच गियर क्वालिटी भी भाई एक नंबर है, मतलब R1 जैसी R1 है ना भाई, वैसी वाली स्विच गियर क्वालिटी है भाई उसकी। और भाई स्पीडोमीटर उसकी बात करें, उसमें भाई पूरा डिजिटल है, पूरा LED है। तो भाई अब इंडियन में तक ही देख लो भाई, अब पैसे बहुत मायने रखते भाई यहाँ पे, तो वहाँ से भाई इसलिए फीचर्स वगैरह इसलिए हटाते हैं भाई, ताकि भाई इसलिए हटाते हैं ताकि कॉस्ट कटिंग करने के लिए हटाते हैं वो, ताकि बंदा इजीली ख़रीद पाए, ठीक है भाई। तो ये होता है भाई, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफिक्स है इसके, काफ़ी डिफरेंट है। अपने एरिया में भाई दो ही है ये 125 ST, एक मेरे पास है, एक कोई अंकल है सुबाथू में, उनके पास ब्लू कलर की है। काफ़ी बंदों के पास मैंने ब्लू कलर की देखी थी, तब मैंने बोला कि पापा नहीं रेड में लेनी है, क्योंकि रेड में है ही नहीं भाई ये बाइक, ये वाली है नहीं किसी के पास यहाँ पे। अपने गांव के भैया भी, उनके पास भी है डिस्कवर, अपने रोहित भाई, उनके पास शायद से पर्पल कलर है कि कुछ ऐसा सा ही कलर है, कुछ जैसे प्याज का कलर होता है ना वैसा सा है कुछ उसका कलर, मतलब उसके बॉडी ग्राफिक्स ऐसा सा है कुछ, अब नाम मेरे को पता नहीं भाई उस कलर का क्या है। बाकी भाई यही है, यही सब कुछ था भाई रिव्यू में, मैं सब कुछ बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए भाई इसके, क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा भाई। बाकी भाई अभी मैं बात करूँ, जैसे इसमें है भाई 13 BHP है, तो फैट टायर लगाने से भाई ये फ़र्क पड़ा, तुम 1 BHP कम मानो, कम से कम 12 BHP की बाइक बन गई है, क्योंकि इसमें पतले आते थे भाई दोनों टायर, पर पतले टायर से मोटे टायर में भाई मेरे को 19-20 का फ़र्क ये लगा कि भाई पहली बात तो भाई माइलेज 2-3 किलोमीटर की भाई कम हो गई होगी इतना सा। बाकी भाई दूसरी मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारे को फैट टायर लगाना है तो 10 नंबर बढ़ाओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी पीछे वाला, फ्रंट वाला यार अब ये भाई पापा ने डलवा दिया था भाई टायर, तब मैं क्या बोल सकता हूँ, उन्होंने डलवा दिया 90x90 और पीछे वाला था 80 कुछ, वो था 80 90 17 था भाई वो, या फिर शायद 80 80 17 था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो भाई अब जब आगे वाला मोटा यार ऑब्वियसली बात है, उससे पीछे वाला भी मोटा ही डलवाना पड़ेगा, तो भाई ये वाला मैंने 100 का डलवाया, ये है 190x17 का। तो भाई ऐसे कुछ है, MRF जैपर का है भाई वो, और ये आगे उसका है रेलको का। पर भाई मैं ये बताऊँ कि कभी भी रेलको का ना पीछे मत डलवाओ यार, बहुत स्किट करता है, बहुत ज़्यादा टायर। फ्रंट वाले में मैंने ये रेलको का देखा है MRF के बाद, जब इसमें हैवी टायर पर, तो यार मतलब जैसे पहले मैं जैसे पिलियन कोई भारी से बैठ जाने यार, बाइक आगे से उठने लग जाती थी, विली पॉप जी करने लग जाती थी, पर फ्रंट टायर मोटर डलवाने से ये हुआ कि बाइक ना बिल्कुल दब के चलती है, और भाई खड्डों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने पीछे वाला टायर भी नया डलवाया, तो भाई काफ़ी खड्डों में ना काफ़ी मतलब इजीली निकल जाती है भाई बाइक, ऐसे फील नहीं होते इतने खड्डे जैसे पहले होते थे। तो भाई ऐसा कुछ है। बाकी भाई जो अब आते हैं डिस्कवर के नए मॉडल्स भाई, उनमें स्टॉक ही आते हैं मेरे ख्याल से, आगे वाला आता है टायर उसमें 80 90 17 का आता है, या फिर शायद 80 80 17 का आता है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। तो भाई पीछे वाला उसमें 100 है भाई, 190 17 का पिछले वाले। तो भाई अब उस टाइम भाई बजाज पतले टायर देती थी भाई, पता नहीं क्यों अभी भी वही है भाई, ज़्यादा किसी में तो देती नहीं अभी भी वो, चाहे तुम 200 CC तक देख लो, चाहे डोमिना 250 तक देख लो, भाई पतले टायर देती है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी भाई अब मैं कहूँगा कि जो डिस्कवर अब आती है 135 आती है शायद मेरे ख्याल अभी भी, तो भाई उसमें बढ़िया है यार टायर,
दोनों फैट टायर है, आगे वाला 80 पिछले वाला 100 है, तो भाई बढ़िया। मैंने अगले वाला 90 है, पीछे वाला 100 है, भाई इतना ही है ये बोलूँगा। बाकी भाई ग्रिप बहुत बढ़िया। तो भाई मैं एक और चीज़ बताऊँगा, जब भाई लीन करते हैं ना, तो भाई ऐसा है जब हम लीन करते हैं ना भाई, तो कभी भी ना तुम स्टार्ट करके बाइक एकदम भगाओ मत। पहली बात तो मैंने बताया इंजन भी हार्म होता है, और भाई टायर इतना गंदा स्किट करेगा ना, फटोगे तो वो बोरे कहीं ना कहीं, और इतना गंदा क्रैश होगा ना कि बता नहीं सकता। तो भाई जब भी तुम घर से चलो, धीरे धीरे बाइक को चलाओ। मैं कम से कम तुम्हारे को टायर वार्म करने के में भाई 15 to 20 minutes लगते हैं, आराम आराम से चलो। और जब लीन करना शुरू करो ना भाई, लीन मतलब इसको जब हम कॉर्नर अटैक करते भी लीन लेते हैं, ठीक है, तो भाई लीन ना हल्के हल्के लेना शुरू करो, एकदम से तुम एकदम से पूरा लीन ना करने लग जाओ, ठीक है, हल्के हल्के लीन लो। और भाई मैं एक और चीज़ बताऊँगा, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए ना तब तक लीन मत करना, कभी भी नहीं। जब तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं अच्छी तरह लीन कर सकता हूँ, तो तब करना भाई। ऐसे जब कॉन्फिडेंस ना आए भाई मत करो, मैं सीधी बात बताऊँ, क्योंकि क्रैश होने के जब भाई खुद ही को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो काम ही काहे को करना फालतू का, ठीक है भाई। बाकी भाई ये बताऊँगा 15 to 20 minutes में भाई टायर वार्म हो जाते हैं बढ़िया से, और मैं लीन भी भाई अच्छी अच्छी गलत ढंग की भाई, जो जैसे टायर है भाई यहाँ यहाँ तक भाई लीन कर रखा, जैसे निशान देख भाई यहाँ यहाँ तक लीन कर रखा है मैंने खुद ने, ठीक है भाई। तो ठीक है यार, ग्रिप ग्रुप मेरे हिसाब से तो बढ़िया है भाई, थोड़ी देर वार्म होने दो टायर, फिर बढ़िया ग्रिप है, मतलब बाइक बिल्कुल चिपक के चलती है। और भाई टायर प्रेशर का बहुत ध्यान रखा करो, अगर आप लोग को माइलेज अच्छी चाहिए इसकी, तो टायर प्रेशर हमेशा ढंग से, अगर आप लोग का टायर प्रेशर कम होगा ना भाई, तो माइलेज ऑब्वियसली बात है बाइक कम देगी, और पावर भी ज़्यादा, मतलब पावर ज़्यादा लेगी भाई खींचने, तुम्हारे को लगा यार थ्रॉटल भी ज़्यादा ले रही है मतलब बाइक उठने के लिए, तो भाई ऐसा ऐसा कुछ सीन है। टायर प्रेशर हमेशा टिप टॉप रखो भाई, ज़्यादा टायर प्रेशर रखोगे तो भाई लीन में दिक्कत आती है भाई, तुम लीन करोगे ना टायर ना उठने सा, मतलब उठने सा लग जाता है भाई, तो भाई ऐसा कुछ दिक्कत, जैसे कंपनी रिकमेंड करती है ना भाई, अब कंपनी पागल तो है नहीं जो बाइक्स बनाती है, तो भाई जैसे कंपनी रिकमेंड करती है ना बहुत बढ़िया करती है भाई, ठीक है, वो भी इंजीनियर्स ही है भाई जो बाइक डिज़ाइन कर रहे हैं, इंजन बिल्ड कर रहे हैं, हर चीज़ यार, तो वो बंदों ने भी कुछ ना कुछ सोच के हर चीज़ करी होगी ना, तो यार भाई छेड़छाड़ी ना जब कमी करनी पड़ती है भाई, जितना स्टॉक हो सके भाई उतना ठीक है, बाकी कॉस्मेटिक चेंज करने में उसमें तो भाई मैं मना नहीं करता, कॉस्मेटिक चेंज तो भाई वो लोग तो आपकी बाइक आपकी मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी करो, बट इंजन के साथ ज़्यादा छेड़खानी, क्योंकि बंदे यार कुछ कुछ ऐसे होते हैं बस CDI रेसिंग जिसमें रेसिंग CDI होता है उसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ मेरी BS थी तो ये 11,500 RPM के पास रेडलाइन करती है, अगर मैं इसमें CDI लगा दूँ तो भाई 12,000 RPM के आसपास आएगी, तो भाई इंजन हार्म होता है, कंपनी वालों ने इसीलिए ही 11,500 पे लिमिटर दे रखा कि बाइक उससे ऊपर नहीं रेडलाइन करेगी। तो भाई वही मैं बात करता हूँ, इंजन वो क्या इंजीनियर पागल नहीं है भाई जो ये सब करते, कंपनी वाले पागल नहीं, तो ऐसी छेड़खानी मत करो, कॉस्मेटिक चेंज तो करते रहो, क्योंकि लुक तो यार भाई आजकल लुक पे ही मरते हैं भाई सीधी सी बात, और मैं खुद लुक बाइक्स की लुक पे बहुत मरता हूँ भाई ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बाकी भाई ऐसा कुछ है, ये इसकी बाइक की सीटें भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब राइडर के लिए भी ठीक ठीक है, पर भाई पिलियन के लिए भाई मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो भाई ज़्यादा देर बैठोगे ना 30-35 किलोमीटर तो भाई अपनी पिछवाड़ी की हड्डियाँ चुभने लग जाएगी तुम लोग को, सीधी सी बात बताओ भाई, ठीक है, मतलब ऐसे तो सॉफ्ट लग रही होगी भाई कैमरे में, बट भाई रियल में भाई मैं ही जानता हूँ क्या हाल होते हैं ना भाई इसमें, जो वो मेरे को होता है अपने पुनीत भाई को भी पता ही होगा भाई, वो भी पिलियन में बैठा था तो भाई खुद बता रहा था वो कि भाई ऐसी तैसी फिर की मैं चलाता हूँ बाइक, तो भाई हम स्विच करके चला रहे थे बार बार, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि भाई इसकी साउंड भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि BS3 मॉडल है, तो इस हिसाब से जैसे रॉ पावर तो रॉ ही साउंड है, मतलब हाई RPM में एक नंबर आवाज़ आती है भाई बाइक की, लोग मतलब हेड टर्नर कह सकते हो तुम लोग इसकी आवाज़ को, तो एक नंबर आवाज़ है भाई लोग इसकी। और तो भाई आप लोग ये भी, तो भाई इतना ही है इस बाइक के लिए, तो इसको रिव्यू ये ख़त्म होता है भाई यहीं पर। तो भाई एक और बात बताऊँ, आप लोग को किस टॉपिक पर मतलब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो भाई मोस्ट प्रोबेबली इसकी हो सकती है या भाई लीन की हो सकती है, लीन बताऊंगा, लीन किस टेक्निक में करते हैं ये बताऊंगा, ड्रैग रेस होगी इनकी बताऊंगा, ठीक है, मतलब जैसे 125 सीसी तो 125 सीसी की साथ ही कंपीट करेंगे भाई, ऐसा नहीं करेंगे भाई 125 सीसी दूसरे ने वह 150 सीसी के साथ लेके चल रहा है, मतलब बराबर वो उसकी जो मेरा दोस्त है उसकी भी 125 सीसी उसकी भी BS3 है, तो भाई मेरी BS3, तो देखते हैं भाई कैसा क्या होता है। बाकी भाई ये बताएंगे, फिलहाल तो भाई रिव्यूज़ ही देंगे, क्योंकि यार मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप जब तैयार होगा तब आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी भाई आई थिंक कंप्लीट हो ही गया यार सारा जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ एक चीज़ और, फुटरेस्ट है ना भाई ये मीडियम सेटिंग पे बीच में, ठीक है, स्पोर्ट्स में आते यहाँ जैसे पे
थोड़े से यूं स्लोप में, बाकी भाई आर्म फाइबर के टी में आते हैं यूं करके, क्योंकि भाई वो फिर सुपर स्पोर्ट्स बाइक में आ गई, वो फेड बाइक में आ गई, और वो ट्रैक ट्रैक रेडी बाइक है एक तरह की, तो फुट रेस्ट भाई उस हिसाब से रहती है। ये कम्यूटर बाइक से इसमें भाई मिडल में होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे होते, ठीक है। अब जैसे NS देख लो, वो थोड़ी भाई, और RS देख लो, वो स्पोर्ट्स टूरर में आ गई, उनका थोड़ा सा रियर सेट पे, हल्का सा रियर सेट पे रहेगा, हल्का सा स्पोर्टी फील। बाकी भाई जो आर्म फाइव KTM होगी, ड्यूक वगैरह, उनका भाई बिल्कुल पीछे रहेगा, क्योंकि भाई वो एक मतलब ट्रैक की बाइक कह सकते हो, क्योंकि भाई ट्रैक्स पे वो एक नंबर बाइक है, क्योंकि फेयर बाइक है, एग्रेसिव पोस्चर है भाई, तो ऑब्वियसली बात है भाई ट्रैक रेडी बाइक है वो सारी। तो भाई हो गया ये सारा कमेंट, तो भाई आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई को अपने सपोर्ट करो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू, बाय बाय। और भाई अपना ख्याल रखना सारे, कोरोना वायरस भाई इतना बढ़ता जा रहा है, हम भाई अपने घर के पास है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, हम कल ही यहाँ पे, बाकी मेरा दोस्त है मेरे साथ, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, तो भाई अपना ध्यान रखना सारे, तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।